वेडिंग सीजन भी आ चुका है और वेडिंग में हम लोगों को हर जगह से इनवाइट आते हैं बट कोई है जो बिना इनवाइट के हर जगह पहुंच जाता है वो है डैंड्रफ जी मैं डैंड्रफ की बात कर रही हूँ क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही ये पहले आ जाता है और हम सब को बहुत ज़्यादा दुख एंड तकलीफ़ देता है हर जगह अम्बेरस कर देता है स्पेशली वेडिंग्स में वेडिंग्स में हम जाते हैं हर तरह के कपड़े पहनते और हम अपने शोल्डर्स पे देखते हैं कि ये क्या है यार इसको तो मैं नहीं लेके आया साथ में बट हम तो नहीं देख पाते सामने वाला ज़रूर देख के हमको अम्बेरस हम कर देता और है जब हमारे बालों में डेंटरअप होता है तो फॉल तो होता ही होता है उसके साथ साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होता है जिससे हमारा स्काल बहुत इंची हो जाता है और जब इंची होता है तो हम लोग ऐसे स्क्रैच करते हैं तो वो ऐसे फ्लेक्स गिरती है हमारे स्किन पर स्किन पर एक होने का डर होता है हमारे शोल्डर पे दिखती है जो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट होता है जब आपको कोई टोक दे कि यार आपकी डेंड्रेव है क्या तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए मैं आज एक ऐसे शैम्पू का आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ जिसने मेरे बालों को एक नया जीवन दान दिया है यस yes, मेरे बाल इतनी ज़्यादा झड़ रहे थे कि मुझे तो टेंशन हो गई थी कहीं मैं टकली ना हो जाऊँ बट लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ती है इस शैम्पू पे जिसको यूज़ करने के बाद मेरे डैंड्रफ तो चले ही गए गायब ही हो गए साथ ही साथ मेरा हेयर फॉल भी रुक गया है तो मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाई इस शैम्पू का रिव्यू करने के लिए क्योंकि यार अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं आप लोगों का भी फायदा कराऊंगी ही ना तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखेगा मैं पूरी डिटेल में आपको इसको अप्लाई करके भी दिखाने वाली हूँ और अगर आपको ये वीडियो इतनी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और अगर इसको यूज़ करने के बाद आपको कोई इतना सा भी फायदा होता है ना तो वापस आके कमेंट करके जरूर बताइए ओके okay, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कौन कौन एंटी डेंड्र शैम्पू यूज़ कर सकता है तो पहले तो जिनके डेंडर स्टार्ट हुए होते हैं जो कि सिर्फ स्काल पर विजिबल होते हैं बट शोल्डर पे या कोम्ब करने के टाइम गिरते नहीं है वो कोई भी होम रेमेडी यूज़ करके अपने डैंड्रफ से छुटकारा पा सकता है और सेकेंड जिनकी डैंड्रफ हो गया होता है इचनेस स्टार्ट हो गई होती है आपके शोल्डर्स पे आपके स्का जो आपके डैंड्रफ होते हैं वो दिखने लगते हैं और कोम्ब करते हुए तो डैंड्रफ झड़ते हैं प्लेकिनेस आपको दिखती है तो कोई भी एंटी डेंड्रफ शैम्पू आप यूज़ करके उससे निजात पा सकते हो और थर्ड ये कि अगर आपके बहुत सीवियर डैंड्रफ हो गया है आपको इचीनेस स्टार्ट हो गई है आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगी है कि आपको बार बार स्क्रैच करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा एम्बेसिंग होता है क्योंकि लोग पूछने लगते हैं कि आपके सर में जुए हैं क्या तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि होम रेमिडीज़ या एंटीडेंडल शैम्पू लेके यूज़ करने से अपना टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर कि कोई अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करिए अपने इस का अच्छे से पूरा टेस्ट करवाइए ताकि आपको प्रॉब्लम पता चल सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या प्रो एंटी डैंड्रव शैम्पू जो कि डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये थ्री वे एक्शन में हमारे रोड्स पे काम करता है जो हमारे स्काल पे जिद्दी सालों से जमे हुए डैंड्रफ पे अटैक करके उसको दूर भगाता है सेकेंड है स्ट्रॉन्ग हेयर प्रोक्टॉन ओला माइन हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है जो कि डैंड्रफ की वजह से बहुत बेजान हुए होते हैं थर्ड है कंडीशनिंग बेस शैम्पू में कंडीशनिंग बेस मिला हुआ है क्योंकि एंटीडेंड्रव शैम्पू को लगाने से यूजुअली हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो अब मैं इसको अप्लाई करके आपको बताऊँगी सबसे पहले तो मेरा स्कार्ड देख लीजिए आप यहाँ पे आपको डैंड्राफ दिखेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है बट है तो सबसे पहले आपको लेना है खाली बाउल जिसमें आपको लेना है एलोवेरा जेल आप चाहो तो फ्रेश भी ले सकते हो फिर इसमें मिलाना है आपको एसेंशियल ऑयल मैंने यहाँ पे रोजमेरी लिया आप चाहे तो टी ट्री भी ले सकते हो फिर आप जब इसको मिक्स करोगे तो आपको क्रीम सॉर्ट ऑफ कुछ मिलेगा जो लगाने में इजी होगा फिर इसमें लगाना है आपको मिक्स करना है बेसिकली शैम्पू को तो शैम्पू को मिक्स करने से थोड़ा सा ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो जब आप लगाओगे तो आपको ईजी पड़ेगा फिर आपको अब आप करना क्या है अपने बालों को अच्छे से कोम कर लेना है और यहाँ पे मैंने स्प्रे बॉटल में रोज़ वाटर लिया है आप चाहे तो नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे अपने स्काल्प को वेट करना है क्योंकि ड्राई स्काल्प पे शैम्पू नहीं अप्लाई हो पाएगा और वेट आपको ज़्यादा भी नहीं करना है इसके वजह से मैं यहाँ पर स्प्रे बॉटल का यूज़ कर रही हूँ तो अच्छे से यहाँ पर मैंने अब पार्टीशन कर करके अपने बालों को वेट कर लिया है उसके बाद अब आपको करना क्या है पार्टीशन करनी है जैसे हम कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करते हैं वैसे ही हमको ये जो हमने बेस बनाया है शैम्पू का उसको अपने बालों में लगा के अच्छे से मसाज करनी है अपने हाथों की मदद से अच्छा मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि अपने हाथों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं मसाज के लिए तो फिंगर टिप का करिएगा नेल्स का बिल्कुल भी मत करिएगा वरना फिर आपको हेयर फॉल होगा फिर आप कहोगे कि यार ये शैम्पू लगाने के बाद मुझे हेयर फॉल कैसे हो रहा है लगता है ये शैम्पू में कुछ गड़बड़ है नहीं आप कैसे अप्लाई कर रहे हो क्या चीज़ अपने स्काल पे लगा रहे हो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा और सेकेंड चीज़ ये कि शैम्पू को सिर्फ़ स्काल पे लगाना है हेयर लेंथ में नहीं लगाना है जिससे आपके बाल ड्राई हो सकते हैं अगर आपने हेयर लेंथ में लगा लिया अब मैंने यहाँ पर लगा के अच्छे से बन बना लिया अब पंद्रह मिनट इसको ड्राई करके तो हो गया है मेरा हेयर वॉश डेन बाल मेरे बहुत ज़्यादा ही शाइनी नज़र आ रहे हैं हो थूतू नज़र ना लगे इस पर आप देखें कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है डेंड्रफ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं इसको काफ़ी वीक से अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे तो रिजल्ट मिल गया अगर आपको भी चाहिए तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और इसको यूज़ करते रहना है एंड आफ्टर दैट यू विल लव इट